आप सभी लोग जानते हैं कि 19 नवंबर 2024 के दिन यहाँ पर मार्गशीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो मंगलवार है मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पंचमी तिथि है, क्योंकि यह मार्गशीर्ष महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 19 नवंबर मार्गशीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह सात चने की दाल वाला उपाय। तो दोस्तों, इस पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस सात चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस सात चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आंख मौका बचा हुआ है, जो कि 19 नवंबर मार्गशीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि के दिन, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये मार्गशीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मंगलवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पा दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को सात चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम् ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस सात चने की दाल वाला उपाय को हमें इस मंगलवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको सात चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सात चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए सात चने की दाल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मार्गशीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस सात चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो,
तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस साथ चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ चने की दाल वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस सात चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हम सभी जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के पवित्र महीने की पंचमी तिथि मंगलवार के दिन पढ़ने वाली है। ये पंचमी तिथि है जो कि 19 नवंबर के दिन पढ़ने वाली है, तो इसीलिए 19 नवंबर को मंगलवार के पंचमी के दिन करने वाले तीन तीन माह उपाय के बड़े में हम आपको बताने वाले हैं। यह तीनों उपाय आप मंगलवार की पंचमी के दिन कर सकते हैं, बहुत ही प्यार से उपाय होने वाले हैं। तो तीन माह उपाय के बड़े में हम बात करते हैं, तो बिल्कुल एक एक करके हम सारे उपाय को समझेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि सात चने की दाल वाला यह उपाय है, इस उपाय को आपको करना है पंचमी के दिन। देखो क्या क्या सामग्री लेनी है, पहले ये समझ लो सात चने की दाल, ठीक है? चने की दाल खंडित नहीं होनी चाहिए और शनि की चैन की दाल जो भी व्यक्ति भगवान शिवा के ऊपर मंगलवार पंचमी तिथि के दिन अर्पित करता है तो वह स्वर्ण ही भगवान शिवा को अर्पित करता है। अगर वह स्वर्ण भगवान शिवा के ऊपर अर्पित नहीं कर सकता, हीन की दाल अगर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन का भाग्य जो है वह उदय हो जाता है। यानी कि पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल से कहा है कि अगर आप चने की दाल अर्पित करते हैं ना, तो आपके भाग्य का उदय होता है, किस्मत चमकते गज जाती है। तो देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है, ठीक है? साथ में एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा जालना, थोड़ा सा गुड़ डाल देना, ठीक है? गुड़ डालना है, ठीक है? गुड़ गुड़ वाला पानी बना लेना है, ठीक है? साथ में लेना है आपको साथ चने की दाल, ये तीनों चीज लेकर के आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। देखो, मंगलवार पंचमी तिथि के दिन सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप भी उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चने की दाल है, चने की दाल को आप गुड़ वाला जो जल है ना उसके अंदर आपको दाल देनी है। साथ ही चने की दाल ले रहे या तीन चने की दाल भी ले रहे हैं ना, तो आपको गुड़ वाले जल के अंदर दाल देनी है, थोड़ा सा ही गुड़ वाला जल देना, ठीक है? और जब गुड़ वाले जल के अंदर आप डालोगे ना, तब आपको बृहस्पति महादेव का स्मरण करना है। देखो बृहस्पति, ईश्वर महादेव का नाम लेते हो ना आप, तो गुरु ग्रह मजबूत होता है और गुरु ग्रह मजबूत होता है ना, तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। यानी कि जो भी आपको भी कम कर रहे हो ना, तो उसमें आपको सफलता मिलती है, ठीक है? क्या करना है, चयन की दाल डाल दी, अब आपको क्या करना है, तांबे का जो पत्र है, अब आपको क्या करना है, ये जो चने की दाल है और गुड़ में से जल्द जो है जिसमें अपने डाली है, ये चने की दाल और गुड़ में जल भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्ते भीम का। जब करते हुए देखो, जो भी व्यक्ति आज के दिन मंगलवार पंचमी तिथि के दिन भगवान शिवा के ऊपर चने की दाल अर्पित करता है तो उसकी किस्मत जो है चमकते गजती है। देखो, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं आज, जैसे कि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या सोनी चांदी का व्यापार कर रहे हैं या किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हैं, आपको आपके व्यापार का स्मरण करना है और उसके बाद श्री शिवाय नमस्कार व्यायाम का जब करते हुए आपको अर्पित करना है। देखो, व्यापार का स्मरण करना कि यह मेरा व्यापार है, महादेव आपकी कृपा से मेरा जो व्यापार है अच्छे से चलने गज, ऐसी आपको कामना करते हुए आज के दिन आपको चने की दाल अर्पित करनी है। इस प्रकार से यह उपाय करना है, जो एक लोटा जल लेकर के आए हो ना, वह देखो उसमें क्या करना है,
आपको सबसे पहले गण जी वाले स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर पार्वती माता के हस्त कमल में, फिर भगवान शिवा के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपका जो भी व्यापार बैंड भी हो गया होगा या बैंड होने के कागर पर भी होगा, तो यह उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित ही आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपकी जीवन के साढ़ी कठिनाई है जो है वह महादेव जरूर करेंगे। तो यह हो गया, पहले उपाय देखिए। अब हम बात करते हैं दूसरों की। आपके जीवन में, आपके घर में कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी तकलीफ है, वह महादेव स्वयं ही इसे दूर कर देंगे। बहुत ही प्यार सा उपाय है। मंगलवार पंचमी तिथि के दिन करना है, आपको लेना है पीला चंदन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा कटोरी के अंदर पीला चंदन लेना है, साथ में तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है। देखो बहुत ही प्यार सा उपाय है। अब आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है और उसके बाद देखो यह आपको सात बिंदी वाला यह उपाय है। सात बिंदी वाला आपके घर की सारी परेशानियां कासन को दूर करने वाला है। यह मैं आपको मंगलवार पंचमी तिथि के दिन शाम के समय प्रदोष कल के समय करना है। देखो प्रदूषण का समय तो आपको सबको मालूम है ना। देख, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि प्रदोष कल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक राहत है। अब देखो साथ वाला यह उपाय है। आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं। ठीक है, अनामिका उंगली का ही उपयोग आपको करना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी लगानी है। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से चंदन के अंदर आपकी उंगली जानी चाहिए, फिर और कार्तिक जी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर चंदन की कटोरी के अंदर उंगली जानी चाहिए, फिर माता शुभ सुंदर वाले स्थान पर अर्पित करना। देखो कई लोग क्या करते हैं कि गणेश जी पर लगा दी, कार्तिकेय जी पर लगा दी, फिर अशोक सुंदरी पर लगा दी, यानी कि बार बार डब्बोक नहीं है उंगली। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझ में आई आपको बात, आपको बार बार डब्बोक है उंगली। ठीक है, आपको गणेश जी वाले स्थान रिपीट कर दी, कार्तिक जी वाले स्थान पर कर दी, तीसरी जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दी। देखिए चौथी जो है वह पार्वती माता के हस्त कमल के वहां पर करनी है। पांचवी जो है वह आपको को जलधारी के बिल्कुल कोनी में आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद भगवान शिवा के शिवलिंग के पीछे तरफ आपको यह कोनी में अर्पित करनी है, जो जैसे जलधारी की कोनी में अर्पित करिए, इसका विपरीत जो शिवलिंग के पीछे ये रहा है ना, वहीं पर कोनी पर अर्पित करनी है। लेकिन तुम्हें एक टिक्की जो है भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्ते का जप करते हुए आपकी जीवन की जो भी परेशानियां हैं, घर के जो भी क्लेश हैं, वह सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको कुटी के लगा देनी है। और अंत में एक लौटा जल जो आप लेकर के आए हैं, वह भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते ओम का जप करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यार सा उपाय था। देखो सात बिंदी वाला यह उपाय था। तो इस प्रकार से आपकी उपाय कर सकते हैं और आपके जीवन की साढ़े न्या घर के सारे के लिए जो है वह दूर हो जाएंगे। घर में खुशी आएगी और आपके भाग्य का दय होगा। हमने दो उपाय के बड़े में बात कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरी उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मंत्र एक बिलपत्र लेना है। ठीक है, बेलपत्र ले लिया, साथ में लेना है आपको पीला चंदन और उसके साथ में लेना है तांबे के पत्र के अंदर जल। ये तीनों चीज लेकर के भगवान शिवा के मंदिर में आपको जाना है। आगे आपको बात समझ में। अब इस उपाय को समझना, ये जो बेल पत्र है या बेल पत्र, आपकी जो भी इच्छा है वह बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करना है। ठीक है, रखना नहीं है, टच करवाना है। टच कैसे कराओ, गढ़ का जो हिस्सा होगा वो जल्लाद की तरफ होगा और पेट का हिस्सा महादेव की तरफ होगा। टच करके वापस से उठा लेना और उसके बाद जो पीला चंदन लेकर के आए हो ना, पीली चंदन की एक टिकी आपको ये जो तीनों पत्तियां के बीच में जो दांडी है ना, यहाँ पर आपको पीले चंदन की टिकी जो है आपको लगा देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके एक गई आपको बात समझ में। और उसके बाद यह जो बेल पत्र है महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। डंडे का हिसाब जलधारी की तरफ होना चाहिए। देखो आपकी जो भी मनोकामना है, विशेष मनोकामना, वो आपको बोलना है इस मंगलवार पंचमी तिथि के पर। देखो जब आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखोगे तब भी आपकी मनोकामना बोल करके उठाना, फिर उसके बाद भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको चंदन लगा करके अर्पित कर देना है। तब भी आपको जल जो है वह आपको इस बेल पत्र के ऊपर आपकी जो भी कामना है वह बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभयम् कर देना है। जो भी व्यक्ति 19 नवंबर मार्ग शीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि पर पीला चंदन भगवान शिवा के शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित कर करता है, तो उसके भाग्य का उदय होने लगता है।
पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्ग शीर्ष महीने की चतुर्थी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 19 नवंबर के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्ग शीर्ष महीने के मंगलवार चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्ग शीर्ष महीने की मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो मार्ग शीर्ष महीने के मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार चतुर्थी का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वो यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो।
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है, इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है? तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही एक लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा, तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें, जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है, क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है, बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना,
क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर डढ़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई, जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है, और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड्ढा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना, और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। पर अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चार हैच जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो,
जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का स्थान बेहद ऊंचा है। हालांकि भगवान शिव स्वभाव से जीतने भोले माने जाते हैं, उतना ही ज्यादा उन्हें क्रोध भी आता है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि शिव को खुश करना बेहद आसान है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति पर एक बार भगवान शिव की कृपा हो जाए, यकीनन उसका अच्छा समय आने से कोई नहीं रोक सकता। जिन पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है, यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो भगवान शिव की कृपा से इन 6 राशि वालों के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है वह राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी मेष राशि वालों, जिसकी वजह से ही समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें कि जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से मेष राशि वालों की आय के साधनों में वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी, सामाजिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, अचानक से धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपके पूर्णतः पक्ष में है, समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कन्या राशि। कन्या राशि को वालों को बता दें, भगवान शिव की कृपा से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। भगवान शिव की कृपा से व्यापार के क्षेत्र में किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। नौकरी की दिशा में चल रहा प्रयास जल्द सफल हो जाएगा। भगवान शिव की कृपा से व्यापारी वर्ग के लोगों को काफी धन लाभ प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। जीवन साथी की तरफ से खुशखबरी आपको मिलने वाली है। भगवान शिव की कृपा से इस राशि के लोगों को व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही साथ कन्या राशि वालों को सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। इस राशि के जो लोग विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने की भी संभावना बन रही है। इसके साथ ही आपके द्वारा किए गए प्रयास आपकी सबसे बड़ी मुश्किलों का समाधान होगा। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से कन्या राशि वालों, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने को लेकर सपना देख रहे हैं वो सपना इनका जल्द ही अब पूरा हो सकता है। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो वह योजना इनकी अवश्य सफल होगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, जिससे आपके घर परिवार में होगी अपार खुशियां ही खुशियां। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है तुला राशि। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा तुला राशि वाले जातकों पर बहुत अधिक बन रही है। भगवान शिव की कृपा से तुला राशि वाले लोगों के लिए आने वाला समय काफी बेहतरीन समय होगा। काफी शुभ फलदायी समय अब तुला राशि वालों के लिए आने वाला है। आपको बता दें कि आपको ना केवल मान सम्मान मिलेगा बल्कि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा आपको ऐसे कई नए अवसर भी मिलने वाले हैं जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। इसके साथ ही आपको काफी धन लाभ भी होगा। जहां एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ आपको व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं
उन्हें नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के भी योग रहेंगे, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत बनेगी, जिससे तुला राशि वाले छात्र को आप अपना जीवन बहुत ही आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपको बता दे कि आप लोगों के ऊपर भगवान शिव जी की विशेष कृपा बन रही है, जिसकी वजह से आपको विदेश यात्रा करने का भी अब मौका मिल सकता है। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में जूझ रहे हैं तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में अब लगने लगेगी। अचानक से धन प्राप्ति आपको हो सकती है। आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी कार्य को लेकर की गई यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल साबित होगी। आपको परिवार में खुशियों का माहौल अब देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सिंह राशि वाले लोगों को धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अब खत्म होने वाली है और आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे सिंह राशि वाले लोगों का जीवन बदल जाएगा। साथ ही साथ सिंह राशि वाले जातकों को बता दें कि आप लोगों के ऊपर भगवान शिव जी की विशेष कृपा बन रही है, जिसके कारण इस राशि के जातकों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आपको अपने जीवन में सफलताएं मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही आपका मन अब पढ़ाई में लगेगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है धनु राशि। धनु राशि वालों को बता दें, भगवान शिव की कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग्य बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दें, जो आपने मेहनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें, आपके रुके हुए कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से अब समय पर पूरे होंगे। आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। आपको बता दें, आप लोगों के ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा बनी हुई है और भगवान शिव की कृपा से आपकी धन संबंधित सभी जो परेशानी थी दूर हो जाएगी और आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। धन में खूब वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली है। आपको बता दें, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि के भी योग हैं। आपको बता दें, भगवान शिव की कृपा से धनु राशि वालों, आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कुंभ राशि। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अब आपके आने वाले समय में भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अनेक प्रकार के बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को कोई अच्छी बड़ी खुशखबरी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपको सभी सफलताएं प्राप्त होंगी। सभी रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे और आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होने वाली है। आपको बता दें कि आप लोगों पर भगवान शिव की असीम कृपा अब आपके ऊपर बनी हुई है। भगवान शिव की कृपा से आपकी धन संबंधित सभी मुश्किलें अब दूर हो जाएंगी और धन प्राप्ति के आपके लिए अनेकों योग बन रहे हैं। जो जातक नौकरी करते हैं उन जातकों को नौकरी में प्रमोशन वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं, जिससे कुंभ राशि वाले जातकों आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी और घर परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा। और साथ ही साथ संतान प्राप्ति का भी सुख आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है, जिससे घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मिथुन राशि। दोस्तों, मिथुन राशि वालों को बता दें, धन की देवी भगवान शिव जी आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न है। आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से ही आपके जीवन में आने वाले धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान शिव की कृपा से धन कमाने के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में चारों तरफ से अब पैसों का आगमन होगा। आय के नए स्रोत भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा।
नौकरी पेशा लोगों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ पदोन्नति प्राप्त होने की पूरी संभावना बनी हुई है। व्यापार में अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। वास्तविक धन लाभ मिथुन राशि वालों आपको हो सकता है और गृहस्थ जीवन में सुख शांति रहेगी। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बन रही है। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है मीन राशि वालों को बता दें, भगवान शिव जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिससे अपने आप के वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। दांपत्य जीवन खुशहाल रहने से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखकर आप अपने बिगड़े हुए कामों को पूरा करें। इसके साथ ही ऑफिस के काम समय पर पूरे होंगे। आप जितना गरीब लोगों के मदद करेंगे, भगवान शिव की कृपा दृष्टि उतनी ही अधिक आपके ऊपर बनी रहेगी। व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आपके भगवान शिव के आशीर्वाद से इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे। नया वाहन खरीदने के भी योग हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से मीन राशि वाले